राधे राधे सभी कृष्ण वस्को। मैं शिवानी गौर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविशाज में, आपके अपने चैनल अविशाज में। तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ, राम जी की विजय की यानी कि विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इसके बाद वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे या जय श्री राम या जय माता दी, ठीक है। और इसी के साथ आज होगा कुछ नया, कुछ सरप्राइजिंगली मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। शुन्नू के लिए एक सरप्राइज़ है, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मैं आप सबको बताऊंगी वो क्या है। अभी शुन्नू को कुछ नहीं पता है, अब उसके डैडा आने वाले हैं और फिर जो है हम वो सरप्राइज़ आप सबके सामने ओपन करेंगे। अभी फिर मैं कर्मानु के दर्शन भी आप सभी को करा देती हूँ। अब है ना दुपट्टा वगैरह मैंने नहीं डाला क्योंकि घर में नहीं, मैं डालती हूँ बाहर थोड़ा ना। तो अभी ये वाला गिफ्ट है, ये हमारी शुन्नू के डैडा का है और शुन्नू ओपन करने वाली है इस गिफ्ट को, ठीक है। और आज ना हम शुन्नू से ही गिफ्ट ओपन कराएंगे। आज डैडा का एक और गिफ्ट आया था, वो थे डैडा के शूज, और आज एक और गिफ्ट है डैडा का है, ठीक है। शुन्ना का नहीं है ना मम्मा का है। तो अब देखते हैं शुन्नू खोलेगी, शुन्नू को डैडा का ये गिफ्ट कैसा लगता है। एक सेकंड, बाल तो पीछे कर लो अपने, चुड़ा ले उन्हें। तो शुन्नू है ना आज डैडा का गिफ्ट डैडा के साथ ही ओपन करा रही है। ये किसका गिफ्ट हो गया? तो यहाँ शुन्नू पागल हो गई, शुन्नू का दिवाली गिफ्ट इन एडवांस। नहीं पता था किस शुन्नू को, बिल्कुल नहीं पता था इसमें क्या आने वाला है। तो शुन्नू का ना एलेक्सा चाहिए थी, काफी टाइम से नील भाई के घर गई थी, वहां से एलेक्सा देख करके आ गई और जब से वहां पे बहुत खेली है एलेक्सा से, दो टाइम गई है। और इसको हमने, वैसे तो इसकी नीड थी नहीं क्योंकि घर में हर तरफ वाईफाई वगैरह एंड्रॉयड टीवी फोन्स वगैरह सब है, पर फिर भी इसकी खुशी के लिए, इसकी खुशी से महंगा कुछ भी नहीं है। तो ये ओनली ऑन हमारी शुन्नू के लिए है। मुझे पता ही था ये दोनों मुझसे झूठ बोल रहे कि पता नहीं डैडा का गिफ्ट है, डैडा गिफ्ट में झूठ बोल रहे। तो ये हमने अमेज़न से परचेज किया है, इसके साथ एक एलईडी बल्ब भी था जो कि ब्लूटूथ से चलता है जिसमें अदर अदर लाइट्स चलती हैं, वो भी आया नहीं है, वो सेकंड उसमें आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से है। कहाँ से आया था बाबू ये वाला, ये वाला पार्सल? तो अमेज़न का ही है, अमेज़न की तरफ से आया था। हाँ तो ये अमेज़न की तरफ से, दूसरा है ना महाराष्ट्र से आना है, वो भी अमेज़न ही भेजेगा जो इसके साथ फ्री था। तो वो भी आना बाकी है, वो भी आएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, जब भी आप सबको दिखाऊंगी जब वो आ जाएगा दोनों एक साथ। तो एलेक्सा से कनेक्ट होता है और एलेक्सा उसको ऑपरेट करती है, उसमें अदर अदर कलर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो ये एलेक्सा आ गई हमारे घर में, अब इसको कनेक्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये ओपन हो रहा है बल्ब जो इसके साथ आना था, एलेक्सा के साथ फाइनली आ गया है, इसलिए मैंने वो व्लॉग जो कल का था भी अपलोड नहीं किया। एलेक्सा के साथ जो ये बल्ब है फ्री था, इसका हमने कोई पे नहीं किया। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। एलेक्सा स्टॉप, ये बीच में बोलने लग जाती है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्मार्ट बल्ब है ये और इसमें कितने कलर्स हैं पता नहीं। तो यहाँ पर तो इसमें 60 मिलियन कलर्स हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। कंट्रोल योर लाइट फ्रॉम एनीवेयर, चेंज वाइट शेड ऑफ लाइट फ्रॉम वार्म वाइट टू कूल वाइट। तो ऐसे करके इसमें काफ़ी सारे जो कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, अलग अलग कलर आप कर सकते हैं जो भी आपको कलर याद है। इतने 16 मिलियन कलर तो हमें याद नहीं रहेंगे, बट आप जैसा भी इससे डिमांड करते हैं अलग से इसका कलर कर देती है। अभी हम इसे डिमांड दे के आपको दिखाते हैं। तो अभी ये पेयर होने के लिए कमांड कर रहा है,
ऐसे लुप 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 ये हो रहा है, तो अब इसको पेयर करना रहेगा। पेयर करने के बाद मैं दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा जो बल्ब है अभी ग्रीन है। अभी मैं अलेक्सा को कमांड देती हूँ और इसको अदर कलर करवाती हूँ। अलेक्सा बल्ब को ब्लू करो। देखिए अभी ब्लू कलर कर दिया, जो सा आप डिमांड करते हैं। 16 मिलियन कलर्स जो भी आपको याद है आप बोल करके इसको कमांड दे सकते हैं। अलेक्सा बल्ब को पिंक कलर कर दो। देखो यहाँ पर बेबी पिंक कर दिया, इस तरीके से अलग अलग कलर करती है। अब ब्लैक ट्राई करते हैं, करती है नहीं करती, वैसे तो होगा नहीं। अलेक्सा बल्ब को ब्लैक कर दो। ब्लैक की जगह इसने ग्रे किया है, तो ब्लैक नहीं होगा मे भी। ब्लैक में तो डार्क शेड हो जाएगा, बल्ब बंद ही हो जाएगा। अलेक्सा बल्ब को बंद कर दो। अलेक्सा ऑन द बल्ब। देख लीजिए, तो इस तरीके से काम करती है बल्ब का। तो ऐसे बल्ब आप अपने किसी भी रूम में लगा करके अलेक्सा से पेयर करके इसको कमांड दे सकते हैं। तो आपको बल्ब ऑन करने के लिए भी, जैसे आप रात में सो रहे हैं और बल्ब ऑन करने आपको नहीं जाना है, तो अलेक्सा हमारी ये सब काम करती है। अलार्म भी सेट कर दो तो सुबह जल्दी उठा भी देती है। चावल और छोले विजयदशमी पर सुबह में हस्बैंड जी ब्रेड का ना चाय ब्रेड नाश्ता करके गए थे। मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, सीधा लंच। कई बार तो डायरेक्ट डिनर हो जाता है, या आप कह सकते हैं शाम के नाश्ता और जो डिनर है वो एक साथ ही हो जाता है। तो अभी हम ये खाने वाले हैं, शाम को देखते हैं क्या स्पेशल बनता है। वैसे आज के दिन होता है, हमारे जो राजस्थान में होता है वो होता है क्या नाम है, बाजरे की कढ़ी, खिचड़, चावल और जो है घी का रायता, ये सब और मिक्स वेज। तो हमने अभी ये बना लिए, बाकी शाम में क्या बनता देखते हैं। वैसे दाल बाटी भी हमारे जो राजस्थान का फेवरेट और स्पेशल फूड माना जाता है, दाल बाटी चूरमा। देखते हैं अभी क्या बनाते हैं शाम को। तो भाई संध्या समय, अखंड जोत अभी हटाई नहीं है क्योंकि अभी मैं मंदिर उठाने लायक नहीं हूँ। हस्बैंड जी से होगा नहीं कि माता रानी का श्रृंगार करें, क्योंकि माता रानी श्रृंगार के बाद ही अंदर जाएगी। शायद मैं कल माता रानी का श्रृंगार कर दूं। और जोत दर्शन, मंदिर में पूजा हो गई है हमारे, कन्नू नन्नू के दर्शन, शनि शनि बाबू के, आज पेशवाई पगड़ी पहन के, जो कि गिफ्ट आया है, आई थिंक बनारस रहते हैं वो, यानी शायद कानपुर। हाँ, तो अथर्व है, एक इंस्टाग्राम फैन है कन्नू नन्नू के, बहुत प्रेम भाव के साथ में ड्रेस भेजा है। उसका ओपनिंग वीडियो भी मैंने आप सभी के साथ भेजा था। तो मैंने चाय बना ली है, हम चाय पीने वाले हैं। और मुझे आज सब्जी मार्केट जाना है, हमारे यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग सब्जी मार्केट लगती है ट्यूसडे और फ्राइडे। और हलवा चने, माँ का भोग इतना सारा बच गया है, वो भी इसे खाने वाले हैं। और यहाँ पर शुन्नू की जो अलेक्सा है, शुन्नू से चेप हो रही है, बहुत ज़्यादा ची चू चा कर रही है, जब से आई उसको जीने नहीं दे रही और डांडिया नहीं खेलने दे रहा। और फिर से मेरे बेडरूम की हालत, शुन्नू बेड पे डांडिया खेल रही थी। बेड का यूज़ आप सोने के लिए करते होंगे, हमारे यहाँ डांडिया खेलने के लिए किया जाता है। ये हुई ना कुछ बात, इसी बात पे मिला ये हाथ। देखिए तो कुछ भी बुलवा देते हैं जज्बात। सुन लिया हमारी अलग सा की बातें। मैं गुस्सा तुम डैडा से। अलेक्सा सुन, शुन्नू की बात नहीं सुन रही। हम करने के लिए सुझाव दे रहे हैं। हिट यू। आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो भाई हमारे अलेक्सा का दिल टूट गया है, और दिल जुड़ता है जब तक हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तो भाई घर में खाना बनाना हुआ कैंसिल, और बाहर से हम खाना खाने का या लाने का, हमारा मूड ये था कि हम लेके आए, फिर हमने सोचा कि अगर स्पेस हुआ और वेट ना करना पड़ा तो हम खा लेंगे वहीं, और कन्नू के लिए पैक करा के लेके आएंगे। कन्नू को इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि पता नहीं था कि वहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि आज के दिन सभी जो बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह हैं सभी में भीड़ होती है, वाजिबा में तो बहुत ज़्यादा ही होती है, चाहे किसी ब्रांच में चले जाओ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पैक ही करा लें, तो फिर हमने पैक ही करा लिया और हम घर ले आए, घर आके खाया हमने। कन्नू को इसलिए साथ ले आए, वरना ये घर में हल्का मचा देती है इतनी देर में।
तो हम बाहर नहीं खा के आए क्योंकि बहुत जो है वहाँ पे वेट करना पड़ता और वेट करने का समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। शायद कानून नहीं चाहते थे। और देखो मिट्टी मेरे लैशेस पे, मेरे बाल एकदम ऐसे हार्ड से हो गए, इतनी धूल उड़ रही है बाहर आज, पता नहीं क्या हो रहा है। अलग ही अंग्रेज बन गई हूँ मैं। तो यहाँ पर तो अभी चाय की पतीली रखी, ध्यान मत देना। मैं खुद फोकस अटेंड कर देती हूँ वहाँ पर, वहाँ पर मैं कहती थी ध्यान मत देना। तो बनाने तो वाली थी घी कराया था, बट पति देव को ज़्यादा पसंद नहीं है, पति देव ने मना कर दिया है कि घी कराया था मत बनाओ। तो हम बाहर से लेकर के आए हैं, एक तो मिठाई में रसगुल्ले, रायता मैं यहाँ बनाऊंगी, वो भी बूंदी का, मेनू चेंज हो जाता है हमारा सडनली, ठीक है। सॉरी, तो हाँ मैं क्या कहती, हाँ हम गए थे खाने के लिए लेकिन वहाँ पर स्पेस नहीं था, तो फिर हम पैक करा के ले आए। बाबू हम क्या क्या लाए हैं, क्या क्या था, पनीर लबाबदार, पनीर लबाबदार और एक क्या था, नहीं चाप मसाला मिक्स, नहीं तवा मसाला मिक्स, हाँ एक था तवा मसाला मिक्स, वो चाप ही है एक्चुअली, उसका नाम चेंज है। हमने सोचा टेस्ट करते हैं ये वाली क्या किस टाइप की होती है, क्योंकि मलाई चाप हमें ज़्यादा खास नहीं लगती, तवा चाप वगैरह और कढ़ाई चाप वगैरह सब ठीक ठाक है, ये कुछ अलग लगा मुझे, मिक्स सॉरी क्या था फिर मैं भूल गई, हाँ तवा मसाला मिक्स, मैंने सोचा ये लेके चलते हैं। लबाबदार पनीर तो पहले भी खाया हुआ है, वो लेके आए हैं, रोटियां लेके आए हैं, जो बटर रोटी, बटर रोटी ही अच्छी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ बूंदी का रायता और हम खाते हैं, करने को भोग लगाते हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना सा ही, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगी, छोटा सा ब्लॉग। और जैसे कि राम जी ने बुराई पर विजय की जीत करवाई, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के रावण को मार करके अपने अंदर की अच्छाई की जीत करानी है, और सामने वाले से भी यही कोशिश करानी है कि उसकी अच्छाई बाहर आए ना कि बुराइयां। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, लेट्स टॉक। और मेरी हालत हो गई बहुत खस्ता, बालों में हाथ डाले के बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा अभी नहा लूं, बट मैं नहाई तो अभी ठंडा मौसम होने लग पड़ा है यहाँ पर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आज के लोग इतना ही, माता रानी का ना कृपा बनाए रखे, राधा रानी कृपा बरसाती रहे क्योंकि वो तो हमारी बरसाने वाली है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं किसी नए ब्लॉग में, पर हमारा दशहरा बन रहा है तो ये मैंने छाछ बनाया, रायते का भी प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, और जैसे कि मैंने बताया था ये क्या था फिर मैं भूल गई, तवा मिक्स मसाला, और ये पनीर लबाबदार, और ये चटनी और प्याज जो कि आती ही है खाने के साथ, और ये हमारी साथ सिंपल रोटियां, और यहाँ चल रहा है मैच, और मुझे जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है देखने में, रोटियां हम ज़्यादा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ठंडी हो जाती है, जितने खाई जाएगी उतनी फॉइल में से निकाली जाएगी, और दोनों ही चीज़ शुन्नू और शुन्नू के डैडा की बहुत फेवरेट है, मैं भी खा लेती हूँ, बट फेवरेट इनकी बहुत ज़्यादा है। तो चलो भाई हम खाते हैं। With the